हमारे साथ मौजूद है। हम तुम्हें चाहते हैं फिल्म की स्टार का सही उनसे बात करते हैं कि किस बेस पर आधारित है और क्या कुछ रहने वाला है इस पिक्चर के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम तुम्हें चाहते हैं क्या कॉन्सेप्ट है? हम तुम्हें चाहते हैं इट्स ए रोम कॉम, ट्राइंगल लव स्टोरी है और दूसरी तरीके से कॉमेडी का ट्रैक है, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मना किया है ज़्यादा कुछ बोलने के लिए, बस उसके लिए आप लोगों को 13th को जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। अच्छा, अपने करेक्टर के बारे में थोड़ा सा। दिस गर्ल इज़ अ वेरी स्वीट, क्यूट, बबली, आउट स्पोकन एंड यू नो वेरी एक्सट्रोवर्ट गर्ल, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और पास में एक पड़ोस रहने के लिए आते हैं, जो ये हीरो है तो वो आते हैं पास में रहने के लिए और बस कहीं ना कहीं बस उनसे उनका उनको प्यार हो जाता है और उसके बाद क्या क्या होता है वो सब के लिए आपको 13th को जाना पड़ेगा। तो जन्म में दिल्ली से ही शुरुआत और फिर दिल्ली में ही प्रमोशन आज कर रहे हो, कैसा बहुत लगा? बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अपने शहर में प्रमोट करना, एक इंसान का सपना होता है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है इस एनवायरनमेंट में। बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ पूछना था? कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले डेब्यू? बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे किसी चीज़ में और ये स्मूथली मैंने सारे सीन्स को परफॉर्म किया विद ईज एंड कोई दिक्कत नहीं आई। जैसा हम 3 घंटे में पिक्चर देख लेते हैं, जब हम पिक्चर शूट करते हैं तो बहुत कुछ पिक्चर शूट करते हैं तो हाँ ऑब्वियसली वो बहुत डिफरेंट होता है। बीटेज और कंटिन्यूटी बहुत फेस करना पड़ा, शर्ट जो एक ही कलर की अलग अलग शर्ट्स पहननी पड़ी क्योंकि मैं फॉर्मल आदमी हूँ नहीं और मुझे फॉर्मल उसमें बनना पड़ा बहुत से सीन्स के लिए, बस एक जिम सीन को छोड़ के। तो हाँ ऑब्वियसली अजीब लगा थोड़ा सा, बट अच्छा था। क्या कहना चाहोगे 13 तारीख को? 2 दिन बचे हैं सबने और हम चाहते हैं कि आप सब लोग प्लीज़ जाइए, हमें प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि हम फिर से हम तुम्हें चाहते हैं पार्ट 2 बनाए। हाँ मतलब जो भी है और ये जो फ्रेशनेस है हम दोनों का केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं ही कहना चाहूँगी प्लीज़ जाइए और मूवी को देखिए और हमें प्यार दीजिए। अच्छा, हमारी एक गुजारिश है आप दोनों का कोई संवाद हो जाए, कोई डायलॉग हो जाए जो एक साथ आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते पिक्चर। कौन सा रोमांटिक बताओ? वो जो सूरज वाला क्या डायलॉग? अरे वो नहीं ना, वो ऑलरेडी देख चुके हैं ना। मतलब कौन सा? कि तुम बोलियो ना कि तुम उसके साथ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट याद नहीं है ना मुझे डायलॉग लाइंस याद नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ ना उसके बाद तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जाना है, वो याद नहीं। तुम अपनी हदें पार कर रही हो वानी, स्टॉप इट। मुझे याद नहीं आ रही, याद सही में याद नहीं। आप टेलर वाला जो भी हो आपको हाँ एक सेकेंड, सपने साकार हो सकते हैं अगर कोई मेहरबान हो जाए। तुम भी अपना डायलॉग बोल दो टेलर का, तुम उससे उसको अपने माया जाल से निकाल दो, आजाद कर दो। और क्या था बताओ ना, सारे डायलॉग सब याद? हाँ नहीं मुझे मेरे डायलॉग, हाँ मैं बोल रही हूँ इसको, मतलब सब याद है। एक्चुअली क्या है, अभी 13 को रिलीज़ है तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उसके लिए अभी तो डायलॉग के लिए भी आपको जाना ही पड़ेगा मूवी देखने के लिए। सब कुछ बता देंगे तो फ्रेशनेस खत्म। जैसे आपने जो अभी डायलॉग मारा वो एक बार अपने स्टाइल में अंदाज में बता देता हूँ। पहला सपने साकार हो सकते हैं अगर कोई मेहरबान हो जाए तो। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पिक्चर के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट।